वेलकम बैक टू पाकिस्तान आइडल. आज है टॉप फोर की फाइनल बाजी और अब आ रहे हैं वो बा कमाल बा जमाल फाइनलिस्ट जिन्हें अली जफर से मिली स्टैंडिंग ओवेशन. आधा पाकिस्तान उनकी स्माइल पे फिदा है और बाकी आधा उनके सुरों पर. प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन मोहम्मद शोएब. टॉप फोर में आया हूँ और अल्लाह का बहुत एहसान है. अगर मुझे अल्लाह ने इस काबिल समझा है तो मुझे टॉप फोर में अल्लाह ने जगह दी है. बचपन में जब मैं सोता था तो कवाली सुनते सुनते ही सोता था और अभी भी मेरी वही आदत है, जब तक मैं नुसरत साहब को ना सुन लूँ नींद नहीं आती इतनी अच्छी. पाकिस्तान आइडल में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था. कवाली थीम तो जहन में थी लेकिन ये नहीं पता था कि हम नवाब बाहर से आएंगे, कोई प्रोफेशनल लोग आएंगे, वो हमारे साथ बैठ के हमें कोरस देंगे. तो उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा था और अभी देखते हैं कि स्टेज पर क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप जितनी भी कर लो, एक दफ़ा करो, सौ दफ़ा करो, करना आपने स्टेज पे वो है जो आपने नहीं किया पहले, तो वही सीन होगा. आप देखते हैं क्या होता है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा. नर्वसनेस तो मुझे लाइफ में कभी भी नहीं हुई. हाँ, पियानो राउंड में एक दफ़ा हुई थी नर्वसनेस जिसका सिला मुझे मिला, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई. तो स्टेज पर आते ही जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है मैं भूल जाता हूँ सुर भी और लय भी और ताल भी, और बस वो है कि बस मैंने अब करना है जो है, बस वो दिखाना है लोगों को. कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए सामने चला जाता है. हुस्न वालों से कह दो के ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है. मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमानों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए. मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमानों से अल्लाह बचाए. हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए. हर इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हर किसी नाना. लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए. सीने से सीना टकराना आता है. आओ आप तीनों शोएब से अल्लाह बचाए.
जी जजेस अमजद साहब आपने कहा इस बच्चे को कि सीने से सीना टकराना आता है तो सीने से सीना टकराने आया अभी तक जितनी भी आवाजें मैंने पाकिस्तान आइडियल में सुनी ये वो आवाज़ है इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर बन सकता है और शायद अगर ये लोग सुन रहे हों जो देख रहे हैं आज शायद ये वो आवाज़ हो सकती है जिसकी आप लोगों को तलाश है बहुत जबरदस्त थैंक यू सर जी सज्जाद अली जो आपने आइटम सेलेक्ट किया है वो आइटम वैसे ही हिट है एक हिट आइटम है मेरा ख्याल है कि कोई भी और गाता तो उसको बड़ी पजीराई मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने जिस तरह से गाया है उसके लिए बनता ये है कि आपकी आवाज़ में ये जितना प्यारा लगा है मैं खड़े होकर आपसे कहूं कि बहुत आला शाबाश वेल डन सर बहुत शुक्रिया जी बुशरा तीन सीटियां मैंने खुद ही बजा दी हैं और शोएब को पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है आज वो मेरी प्रॉब्लम ऐसी हल हुई है सरगम पे मेरी जान निकली हुई होती है शोएब की सरगम पे आज सरगम वॉज टू परफेक्ट इतनी परफेक्ट सरगम थी कि हद से ज्यादा थैंक यू सो मच पूरा गाना एक तरफ और सरगम एक तरफ थैंक यू मजा आ गया वेल डन मोहिब मुझे आपकी सीटी की अब जरूरत नहीं है जी अली अजमत मुझे भी लगता है वहां आना पड़ेगा आज शोएब ने एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा अच्छा गाया है और मैं समझ रहा था कि आज जमात का पल्ला भारी होगा क्योंकि उसकी आवाज पे सूटेड हैं काफी गाने लेकिन शोएब ने साबित कर दिया है कि बस शोएब की एक जो 10,000 वॉट स्माइल है और इसका जो खूबसूरत गला है और जो जिस टोन में इन्होंने ये गाना आज गाया है और जिस मज़े से गाया है कंग्रेचुलेशंस जी हदीका शोएब मुझे आज जो है ना वो फाइटर तैयारा लगा है बिल्कुल क्योंकि प्रीवियसली जितना मैं इसको क्रिटिसाइज करती आई हूँ वो बिल्कुल हक और सच पे था क्योंकि वो सुरों की बात थी और इस बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया है थ्रू आउट दिस पीरियड कि मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू शोएब कि आज मैं बहुत आपको गौर से सुन रही थी आपने एक बात होती है जब आप एज अ सिंगर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो एक माहौल बांधना होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक सिंगर के लिए स्टेज पे माहौल बांधना आज वो माहौल आपने बांधा है और थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंसेज हैं उसमें ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी इन माय आईज और मैं भी आ जाऊं कहा सुना माफ करो अल्लाह मियां का घर साफ करो क्या बात है जी वाह 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 शोएब साहब क्या कमेंट्स मिले अमेजिंग थैंक यू सो मच जजेस इसमें बैंड वालों का अजहर साहब का पूरे बैंड का
और मेरे ये जो साथी आए हैं इन सब का और मेरे वोकल टीचर करम अब्बास साहब का, उमर साहब का, सबका हाथ इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद शोएब पहुंचे टॉप थ्री में तो आपको क्या करना है शोएब? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉप थ्री में जाऊं तो मुझे वोट करिए। मोबलिंक यूजर टाइप करें आइडल IDOL स्पेस दें MS जो कि मेरा कोड है, उसे सेंड कर दीजिए 200 पर। और अगर आप किसी और नेटवर्क पर हैं तो यही मैसेज आइडल IDOL स्पेस दें MS जो कि मेरा कोड है, उसे सेंड कर दीजिए 8001 पर। याद रहे कि वोटिंग लाइन्स खुली हैं कल रात यानी कि हफ्ते की रात 12 बजे तक। अब आपको भेजना है मोहम्मद शोएब के लिए बहुत सारे वोट्स। वेल डन, मेरा मेहरबानी, जिंदाबाद।